संभल में जामा मस्जिद सर्वे के बाद हुई हिंसा में पाकिस्तान और अमेरिका के कारतूसों के इस्तेमाल की पुष्टि के बाद पुलिस और जांच टीमें उन हथियारों की तलाश में जुटी थीं, जिसके बाद पुलिस को घटनास्थल से पाकिस्तान और अमेरिका निर्मित कारतूस व खोखे मिले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो SIT उपद्रवियों और पिस्टलों की तलाश में जाँच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल में विदेशी कारतूस का इस्तेमाल हुआ था, यह स्पष्ट हो गया है। जांच में यह भी पता चला है कि बवाल में 3 अलग अलग बोर की पिस्टल का भी इस्तेमाल किया गया है। हालांकि पुलिस को अभी तक इन पिस्टल और इनका इस्तेमाल करने वाले उपद्रवियों की जानकारी नहीं मिली है। SP कृष्ण कुमार विश्नोई का कहना है कि 2 SIT टीम मामले की जाँच कर रही है। SIT आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। SP ने बताया कि 2 कारतूस और 8 खोखे मिले हैं, जिनमें 9 mm बोर का 1 कारतूस और 1 खोखा पाकिस्तान निर्मित है, जबकि 7.65 mm का 1 कारतूस और खोखा, 312 बोर का 1 कारतूस और 3 खोखे अमेरिका निर्मित है। 32 बोर के 2 खोखे मिले हैं, वो भारत निर्मित हैं या विदेशी, इसकी छानबीन फॉरेंसिक टीम कर रही है। SP ने बताया कि यह सभी कारतूस और खोखे जामा मस्जिद के पीछे टंकी रोड से नीम वाली जियारत तक बरामद किए गए हैं। शुक्रवार को नमाज के चलते छानबीन टीमों द्वारा नहीं की गई है। इसके आगे उन्होंने क्या कुछ बोला है, चलिए सुनवाते हैं। इसकी जो सर्च है उसमें 2 7.65 के फायर्ड केस मिले हैं और 2 12 बोर के फायर्ड केस मिले हैं, जिसपे मेड इन USA लिखा है। और पूर्व में जो सर्च था उसमें 1 पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का फायर्ड केस मिला था और 1 विंचेस्टर कंपनी है US की, उसका एक केस मिला था, और 1 FN स्टार करके है, उसका मिस फायर्ड केस मिला था। इस तरीके से टोटल 10 कार्ट्रेजेज हैं जो इंडिया में बैन है या फिर इलीगल है, जो पुलिस और या इनमें से कोई यूज़ नहीं करता है, उस तरीके के फायर्ड केसेस मिले। इसकी जो सर्च है उसमें 2 7.65 के फायर्ड केस मिले हैं और 2 12 बोर के फायर्ड केस मिले हैं, जिसमें मेड इन USA लिखा है। और पूर्व में जो सर्च था उसमें 1 पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का फायर केस मिला था और 1 विंचेस्टर कंपनी है US की, उसका एक केस मिला था, और 1 FN स्टार करके है, उसका मिस फायर केस मिला था। इस तरीके से टोटल 10 कार्ट्रेजेज हैं जो इंडिया में बैन है या फिर इलीगल है, जो पुलिस और या इनमें से कोई यूज़ नहीं करता है, उस तरीके के फायर केसेज मिले हैं। आपको बता दें कि शनिवार को फिर से इस मामले पर छानबीन करवाई गई। मालूम हो कि 24 नवंबर को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान उपद्रव किया गया था, जिसमें पुलिस पर पथराव और फायरिंग की गई थी। इस दौरान पिस्टल का भी इस्तेमाल हुआ। बवाल के बाद छानबीन करने पहुंचे SIT को यह कारतूस और खोखे मिले। जामा मस्जिद सर्वे के दौरान बवाल की चपेट में मोहल्ला कोटगरवी, नखासा तिराहा और हिंदूपुरा खेड़ा आया है। इस इलाके में 20,000 से ज़्यादा आबादी है। इन तीनों ही इलाके में शस्त्र लाइसेंस भी काफ़ी हैं। इन सभी लाइसेंस धारकों का डेटा निकाला जाएगा। SP ने बताया कि इन लाइसेंस धारकों से कारतूस इस्तेमाल का हिसाब लिया जाएगा, जिससे स्पष्ट हो सके कि इन लाइसेंस धारकों के कारतूस तो बवाल में इस्तेमाल नहीं किए गए। इस छानबीन को भी SIT ही करेगी। बता दें कि शहर में शस्त्र लाइसेंस के लिए कारतूस बिक्री की 3 दुकानें हैं। इसके अलावा जिले भर में काफ़ी दुकानें हैं। पहले संभल शहर और बाद में जिले की दुकानों से हिसाब लिया जाएगा कि किस शस्त्र लाइसेंस धारक को कितने कारतूस की बिक्री की गई है, उससे भी मिलान किया जाएगा, जिससे बिक्री की खपत का मिलान किया जा सके। इसके लिए भी पुलिस की SIT छानबीन शुरू करेगी। पुलिस की फॉरेंसिक टीम द्वारा बवाल के इलाके से जो कारतूस और खोखे बरामद किए गए हैं उसको सील कर दिया गया है। यह खोखे और कारतूस जांच के लिए बैलिस्टिक विशेषज्ञों के पास जाएंगे। SP ने बताया कि बैलिस्टिक्स विशेषज्ञ जो रिपोर्ट देंगे उसके आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी। VideoDex AmarUjala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।